नमस्कार बच्चों बच्चों अभी तक हमने हमारी कंप्यूटर क्लासेस में जाना है कि नोटपैड में आप किस तरह से एक फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से फाइल और फोल्डर को मैनेज करते हैं, आपको अपने कंप्यूटर में विभिन्न सेटिंग्स करनी है तो वो कैसे करेंगे, या हमें अगर देखना है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं, उनमें कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने जो कंप्यूटर की बेसिक्स थे वो अभी तक जाने और आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। देखिए बच्चों, जब हमको बहुत बड़ा कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, मान लीजिए जैसे कि आजकल आपने देखा जो आपकी बुक्स होती हैं आजकल सब कंप्यूटर की मदद से बनती हैं, जो टाइपिंग होती है उनकी वो कंप्यूटर में होती है, पहले के जैसे नहीं कि टाइपराइटर के द्वारा टाइप करके कागज पर उसका प्रिंट निकाला जा रहा है। पहले जो भी आपकी बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं वो सब कंप्यूटर में बनाई जाती हैं, उसके बाद उनकी प्रिंटिंग होती है। कंप्यूटर में बनाने की उपयोगिता ये है कि उसमें फिर आसानी से एडिटिंग हो सकती है। आपने एक बार कंप्यूटर में टाइपिंग करवा ली, फिर आप उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को उसको चेक कर सकते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो एक पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो भी गलतियां हैं उनको चेक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर में अपनी फाइल बनाने के। आप बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनको काम में ले सकते हैं। जैसे अभी आपने फाइल बनाई नोटपैड में, तो आपने देखा कि अगर कोई टेक्स्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है तो दोबारा से उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अपनी फाइल को एक बार सेव कर देने पर हम कभी भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसमें एक बार हमने जो फाइल बनाई उसमें हम चाहें तो और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि कंप्यूटर में हम फाइल बनाते हैं। जैसे कि हमने नोटपैड में सबसे पहले फाइल बनाई और उसमें हमने कोई एप्लीकेशन लिखी या कोई लेटर हमें लिखना था, या मान लीजिए हमारी कोई फाइल है, कोई बच्चों की रिपोर्ट हमें तैयार करनी है तो हम बना सकते हैं। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी फाइलों की बात करते हैं, आप अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं उस तरह की फाइल की जिसमें कंटेंट होता है, टेक्स्ट फाइल हम उसको बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा नोटपैड के द्वारा भी आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। अब टेक्स्ट फाइल बनाने के साथ साथ आपको उसमें कुछ पिक्चर भी लगानी है, आपको उसमें टेबल्स भी बनानी है, तब आप क्या करेंगे। नोटपैड जो अभी हमने एप्लीकेशन काम में ली, नोटपैड जिसमें आपने टेक्स्ट फाइल तैयार करी, उसमें आप केवल टाइपिंग कर सकते हैं, कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, जैसे कि आप मान लीजिए एक किताब होती है, एक किताब में डायग्राम्स भी होते हैं, पिक्चर्स होती हैं और टेबल, कई बार कोई टेबल होती है, टेबल रो और कॉलम से मिलकर जो टेबल बनती है वो टेबल भी होती है, और टेबलर फॉर्मेट में डेटा अरेंज होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो चैप्टर्स हैं उनमें हेडिंग लिखी रहती है। और एक और चीज़, नोटपैड में आपने देखा कि हमने फॉर्मेटिंग करी, क्या करा हमने फॉर्मेटिंग में, हमने टेक्स्ट का साइज बढ़ाया, फॉन्ट चेंज किया। जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे हमने देखा एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, या मान लीजिए हमें हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी के लिए फॉन्ट चुन लेंगे, हमें किसी और भाषा में लिखना है तो उससे उस भाषा का जो फॉन्ट है कंप्यूटर में अवेलेबल उसको हम लिख लेंगे। अगर वो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम डलवा सकते हैं, ठीक है, तो हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी नोटपैड में, जो फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही फॉन्ट पूरी फाइल पर अप्लाई हो जाएगा। होता है आपने टेक्स्ट का साइज कर दिया 22, तो पूरी फाइल में टेक्स्ट का साइज 22 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बुक की। आप अपनी बुक खोल के देखिए क्या होता है बुक में। बुक में कुछ टेक्स्ट होता है जो बड़ा लिखा होता है, कुछ टेक्स्ट होता है जो छोटा लिखा होता है, कई टेक्स्ट होते हैं उस पर कुछ हाईलाइट किया हुआ होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई ऐसी बुक है जिसमें लिखा है
2 to the power 4, तो आपको इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है कि कुछ शब्द ऊपर कुछ शब्द नीचे। यानी कि नोटपैड में अभी तक हमने जो फॉर्मेटिंग करी, फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं नोटपैड में, लेकिन क्या था कि जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं वो पूरी फाइल पर अप्लाई हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप इतने से टेक्स्ट पर अलग फॉर्मेटिंग, दूसरे टेक्स्ट पर अलग तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अब जब हम बड़ी फाइल बनाएंगे तो बड़ी फाइल में कुछ टेक्स्ट अलग साइज का, कुछ टेक्स्ट छोटे साइज का, नीचे हम अगर कोई नोट डाल रहे हैं, आपने देखा होगा आपकी बुक में जो हार्ड वर्ड्स हैं उनसे संबंधित नीचे लाइन के बाद वो लिखे रहते हैं, है ना? तो इस तरह की चीजें आपको करनी है। साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं, आप देखते हैं बुक में क्या दिखता है आपको, हर एक पेज पे नंबर आता रहता है, तो हर एक फाइल के नीचे जाके खुद नंबर लिखना। फिर मान लीजिए एक पेज के बीच में आपको दूसरा पेज डालना है, तो वो सब चीजें करनी है। जब बहुत बड़ी फाइल बनानी है, तरह तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, तरह तरह से एडिटिंग करनी है, पेज नंबर भी चाहिए, पिक्चर भी डालनी है, टेबल भी डालनी है, तब उस केस में बच्चों नोटपैड से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी मदद से हम कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी फाइल तैयार कर सकें जिसमें ये सारी चीजें हों कि हम अलग अलग पेजेस, आपके बुक्स में अलग अलग पेजेस होती हैं, अलग अलग पेजेस में आप टेक्स्ट को अरेंज पाते हैं। तो मान लीजिए मुझे तो एक, मेरा टारगेट क्या है कि एक कंप्लीट बुक मैं अपने कंप्यूटर में तैयार कर लूं, जो कि आजकल होता है, सारी चीजें कंप्यूटर में ही तैयार करी जाती हैं, उसी में एडिटिंग फॉर्मेटिंग होती है और फिर उसका प्रिंट निकाला जाता है, उसकी कॉपीज छपती हैं फिर, राइट? तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। टेक्स्ट एडिटर सही है अगर आपको एक छोटा सा कोई फाइल बनानी है, सिंपल सा एक लेटर या एप्लीकेशन आपको टाइप करनी है तो सही है, लेकिन जब एक ही फाइल में हमें तरह तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, कोई टेक्स्ट बड़ा कोई टेक्स्ट छोटा, नीचे पेज नंबर्स आपको चाहिए, अलग अलग पेज में आपको अपने कंटेंट को अरेंज करना है, पेज पर हम कोई बॉर्डर डालना चाहते हैं, राइट? हम अपने एक टेबल बनाना चाहते हैं किसी पेज पर, उसमें अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डायग्राम दिखाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं किसमें, वर्ड प्रोसेसर में। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, जो भी आप कहिए, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, आप बड़ी फाइलें तैयार कर सकते हैं जिसमें आप विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग, विभिन्न प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं, आप अलग अलग पेजेस के अंदर अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं, आप टेबल, कैलेंडर, कोई डायग्राम, कोई चार्ट, कोई पिक्चर, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर की फाइल में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन को काम में लेते हैं, हमारे कंप्यूटर में कौन सी वर्ड प्रोसेसर की एप्लीकेशन अवेलेबल है, ये सब चीजें आज हम जानते हैं, राइट? तो सबसे पहले ये क्लियर हमें करना है वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट, राइट? और वर्ड प्रोसेसर की मदद से हम विभिन्न पेजेस में अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं। इस वर्ड प्रोसेसर की जो फाइल होती है इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट में आपका जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वह हो सकता है, टेबल हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, कोई चार्ट डायग्राम या ग्राफ, कुछ भी हो सकता है, राइट? और आप इसमें अलग अलग प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने कंटेंट को अलग अलग पेजेस में अरेंज कर सकते हैं, हर एक पेज का नंबर आप शो कर सकते हैं, और काफी सारी चीजें कर सकते हैं जो आप टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड में नहीं कर पा रहे थे, राइट? तो कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम आपको ये बता दें कि जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं मार्केट में अलग अलग कामों के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स हैं,
डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। अब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रोसेसर भी अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर है, ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है, अलग अलग कंपनीज के वर्ड प्रोसेसर हैं। इनका जो इनके जो फीचर्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ कुछ लुक एंड फील जो है वो अलग होता है। तो हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है और इसके अंदर आती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, इसी तरह से पावर पॉइंट जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेस जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट? तो ये अलग अलग इसमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं। हम आज से पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन करेंगे, उसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे। एक डॉक्यूमेंट कई सारे पेजेस से मिलकर बनता है, राइट? आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट में एक या एक से ज्यादा कितने भी पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी फाइल आप बना सकते हैं, राइट? तो चलिए ओपन करें हम वर्ड प्रोसेसर और देखें क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन पे हमें क्लिक करना है। यहां से हमें चुनना है ऑल प्रोग्राम्स और यहां से हम चुनेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा कि मैंने आपको बताया यह एक पैकेज है और इसके अंतर्गत आते हैं विभिन्न सॉफ्टवेयर्स जिनकी मदद से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं या आप कोई डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। ये अलग अलग एप्लीकेशंस आ रही हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज पर हमने क्लिक किया, इसके अंदर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप वर्कबुक्स तैयार करते हैं, उसमें आप जैसे आप बही खाते मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग कैलकुलेशन करना होता है, इन सब कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है एक बड़ी दर्शक दीर्घा के सामने, एक बड़ी ऑडियंस के सामने आपको प्रस्तुति देनी है, आपको अपने कंटेंट को पेश करना है, तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट काम में ले सकते हैं। तो ये विभिन्न सॉफ्टवेयर्स हैं इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। तो अब हम कौन सा क्लिक करेंगे, हमें वर्ड प्रोसेसर में काम करना है, तो हम यहाँ से चुनते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो यहाँ पर विंडो आ गई है ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो। देखिए यहाँ टाइटल बार पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसर ओपन हो गया है और इसमें आप तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने इस फाइल को सेव नहीं किया है इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट वन। जब आप इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर इसका नाम टाइटल बार पर प्रदर्शित हो जाएगा। चलिए एक बार वापस से ओपन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर तीन बटन आ रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन, जैसा कि आपको सभी विंडोज में मिले हैं। मिनिमाइज कर देंगे तो विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, टास्क बार पर आपको एक बटन के रूप में नजर आएगी। आप इस बटन पे पुनः क्लिक करेंगे आपको विंडो पुनः प्राप्त हो जाएगी विंडो। उसके बाद मैक्सिमाइज और रीस्टोर के बटन, आप विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लोज का बटन, इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो विंडो है ये वर्ड एप्लीकेशन की क्लोज हो जाएगी, राइट? वापस से खोलें, स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स में से हमने चुना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहां से हमने चुना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है। ये सब चीज क्लियर है हमें। अब ये देखिए यहाँ पर इस विंडो के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है ऑफिस बटन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड प्रोसेसर के विभिन्न कमांड्स, विभिन्न ऑप्शंस जो हैं, जैसे नई फाइल खोलनी है,
एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, सेव करना है, ये सारे जो कमांड्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दो बटन आते हैं वर्ड से संबंधित ऑप्शन सेट करने के लिए और वर्ड से बाहर निकलने के लिए एग्जिट वर्ड। राइट, वर्ड ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो वर्ड से संबंधित जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन्हें हम समझेंगे समय के साथ। चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये जो सफ़ेद रंग का आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये है हमारा वर्क एरिया, जहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे अपने कंटेंट को, टेबल्स में, पिक्चर्स में, तरह तरह से अरेंज करेंगे, उस पर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, इसका साइज हम बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब आप जो भी कुछ टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। राइट, ये देखिए, एंटर कुंजी हमने दी, ये देखिए नेक्स्ट लाइन पर आ गए हम। इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ जब भी आप कुछ टाइपिंग करेंगे तो वो चीज़ यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये हमारा वर्क एरिया है, जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ आप कंटेंट टाइप करेंगे, चाहे पिक्चर आपको इंसर्ट करनी हो, टेबल इंसर्ट करनी हो, सब कुछ यहाँ पर होगा सारा काम। आप स्क्रॉल करके देखिए, ये देखिए, ये विंडो को, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स यहाँ आ रही हैं। ये देखिए, स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करके आप ये देखिए, ये एक पूरा पेज है। राइट, ये पूरा एक पेज आ रहा है यहाँ पर, ऊपर नीचे करके देखा हमने। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टैब्स हैं, देखिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यूज, व्यू, ये अलग अलग हमारे पास टैब्स हैं। जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ कमांड्स, कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से संबंधित ऑप्शंस जो हैं, कमांड्स जो हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। हमें टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई डायग्राम, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से होंगी। होम पे क्लिक करके हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ सेटिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पेज लेआउट, पेज से संबंधित सेटिंग्स करनी है, पेज का प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होंगी। इसी प्रकार से अलग अलग टैब्स और इनसे संबंधित जो ऑप्शंस हैं वो हमें इन पर क्लिक करने से प्राप्त होंगे। ये देखिए, अलग अलग टूल्स आ रहे हैं, आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, आपको लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको सेट करना है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। राइट, देखिए बच्चों, एक चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं, ये हमारा वर्क एरिया है और यहाँ पर नीचे जो आपको ये बार नज़र आ रही है, ये देखिए, ये तो क्या है, हमारी टास्क बार, और इससे ऊपर ये पूरी एप्लीकेशन है। ये देखिए, ये हमारी वर्ड की विंडो है, हमने इसको छोटा कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रॉल बार्स आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, और यहाँ पे ये जो बार आपको दिख रही है, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, आप कौन से पेज पर हैं, आप अपने पेज को किस तरह से व्यू करके देखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस स्टेटस बार पे मिलते हैं। तो हम मैक्सिमाइज जब करेंगे तो ये देखिए, हमारी टास्क बार से ऊपर तक विंडो है, तो सबसे विंडो के नीचे जो बार है उसको कहते हैं स्टेटस बार। आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे तो उससे संबंधित एक शॉर्ट हेल्प, उससे संबंधित एक ऑप्शन आपको स्टेटस बार पे नजर आ जाएगा। राइट, तो बच्चों, यहाँ पर हमने समझा एक एप्लीकेशन को, एक नई एप्लीकेशन हमने यहाँ स्टार्ट करी है, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर को, नोटपैड को काम में लेकर आप बड़ी बड़ी फाइलें नहीं बना सकते जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग चाहिए हो। राइट, आपको अलग अलग पेजेस चाहिए अपनी फाइल में जिस पर आप अपने कंटेंट को अरेंज करें, तो इसके लिए आपको वर्ड प्रोसेसर की मदद लेनी होगी। तो अभी हमने वर्ड प्रोसेसर ओपन करके देखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और इसमें हम तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्स, इसके विभिन्न कॉम्पोनेंट्स को हमने जाना। चलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद आगे इसमें हम कार्य बढ़ाएंगे।
बच्चों, इस ब्रेक के बाद अब हम अपनी वर्ड प्रोसेसर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस तरह से वर्ड प्रोसेसर में टाइप करेंगे, किस तरह से एडिटिंग और फॉर्मेटिंग इसमें करी जाती है। तो देखिए, अभी तो हमने एक छोटा सा कंटेंट लिखा है इसमें वर्ड प्रोसेसर। अब यहाँ पर आके हमने एक एंटर कुंजी दबाई, यहाँ पर आपने देखा मैंने एक एंटर कुंजी दबाई, तो हमने ये जो एंटर कुंजी यहाँ पर दी, इसको हम क्या बोलते हैं? जब भी हम वर्ड प्रोसेसर में काम करेंगे, हम जब भी एंटर, देखिए क्या होता है, एक बार मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ। हम थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट हमने यहाँ से देखिए होम पर, यहाँ पर फॉन्ट्स की साइजेस आ रहे हैं, होम टैब पर हमने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 72। ये देखिए ये फॉन्ट साइजेस हैं, ये टूल्स सब आपको समझने होंगे बच्चों। और हमने साइज ले लिया 28, ऊपर हमने किस साइज में लिखा हुआ है 72, ऊपर हमने फॉन्ट साइज लिया हुआ है 72। अब हम नीचे आए, हमने फॉन्ट साइज लिया 28। आप टाइप करके देखिए फॉन्ट साइज छोटा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग फॉन्ट साइज में आप लिख पा रहे हैं, जबकि नोटपैड में क्या होता था? नोटपैड में जब आप टाइप करते थे, आप जो फॉन्ट साइज देते थे वो पूरी फाइल पर अप्लाई होता था। वर्ड प्रोसेसर में ऐसा नहीं होगा, आप लिखने से पहले फॉन्ट साइज चुन लीजिए और उस फॉन्ट साइज में अपनी टाइपिंग करिए। अगर लिखने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये फॉन्ट साइज नहीं, मुझे तो बड़ा करना है या छोटा करना है, तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो सिलेक्शन करके करेंगे, हम देखेंगे आगे वो कैसे करते हैं। चलिए एक बार थोड़ी सी टाइपिंग करके देखते हैं। हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, अब ये देखिए आप इसमें जैसे जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं कर्सर अपने आप आगे बढ़ रहा है, और जब एक लिमिट आ गई अपने आप कर्सर नीचे आया, लाइन हमारी आगे बढ़ रही है। ये देखिए यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, ये देखिए अपने आप लाइन कर्सर नीचे आ जाता है और हमारा, हम टाइप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, कर्सर अपने आप नीचे आ रहा है। राइट, ये देखिए ये मान लीजिए हमारा कंटेंट पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर एंटर कुंजी दे रहे हैं, तो बच्चों ये जो हमने एंटर कुंजी यहाँ पर दी, हमने क्या किया है? हमने एक नए पैराग्राफ की शुरुआत करी है। राइट, हमने क्या करा है? हमने नए पैराग्राफ की शुरुआत करी है। आप एंटर कुंजी देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एक नया पैरा स्टार्ट करते हैं, एक पैराग्राफ खत्म करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने टाइपिंग करी, तो ये क्या है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। लेकिन जब हम एंटर कुंजी देते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक नए पैरे की शुरुआत कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भाई जब आपने एंटर कुंजी दी तो क्या स्टार्ट हुआ? आप कहेंगे एक नई लाइन, लेकिन नई लाइन नहीं शुरू होती, क्या स्टार्ट होता है? एक नया पैराग्राफ। लाइन अपने आप आ रही है, आपने देखा कि जब हमारा कंटेंट यहां तक पहुंच गया तो अपने आप हमारा शब्द जो है, हमारी जो टाइपिंग है वो नीचे से स्टार्ट हो गई अपने आप, लाइन तो अपने आप आ जाती है। लेकिन जब एंटर कुंजी हम देते हैं तो एक नया पैरा स्टार्ट होता है, यानी कि ये एक पैरा है, इसी प्रकार से ये एक पैरा है, और अब हम आगे जो लिखने में आ रहे हैं वह भी एक पैरा है। राइट, अब इस फाइल को हम सेव करें। कैसे सेव करेंगे? ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, या तो आप शॉर्टकट कुंजी, याद रखिए शॉर्टकट कुंजी वही है मैंने आपको बताया था जब हम नोटपैड में काम कर रहे थे, कि ये जो शॉर्टकट कीज हैं, जैसे नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ये सारी शॉर्टकट कीज सेम हैं पूरे कंप्यूटर में, जहां कहीं भी आप काम करेंगे तो ये शॉर्टकट कीज, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपकी हमेशा काम में आएंगी, जैसे फाइल, नई फाइल ओपन करना, कंट्रोल ओ दबाकर आप
डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है और आप फाइल चुनकर फाइल ओपन कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह से सेव करना, फाइंड रिप्लेस करना, इनकी शॉर्टकट की सेम है। चलिए जैसे हम यहाँ पर प्रेस करते हैं कंट्रोल एस, अभी हमारी फाइल सेव नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जैसा कि हम नोटपैड में करते थे। अब फाइल को एक नाम दीजिए, पहले फोल्डर चुनिए, सबसे पहले ड्राइव चुनेंगे, कहाँ सेव करनी है, ड्राइव चुन ली हमने, डी ड्राइव, राइट। अब यहां पर एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और यहां पे हमने इसको नाम दे दिया वर्ड, वर्ड फाइल, बन गई हमारा फोल्डर, यहां पे तैयार हो गया। डबल क्लिक किया, फोल्डर में प्रवेश कर लिया हमने, अब फाइल को एक नाम दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया, फाइल हमारी सेव हो गई। फाइल सेव हो गई, आप देखिए फाइल हमारी जो सेव हुई है उसका नाम अब डॉक्यूमेंट वन की जगह क्या हो गया है, उसका नाम हो गया है जो हमने दिया वर्ड प्रोसेसर, राइट। तो इस तरह से ये आप शॉर्टकट कीज ध्यान में रखिए, ये सारी जो है, जैसे अगर हम यहाँ प्रेस करें कंट्रोल एन तो क्या होगा, ये देखिए एक नई विंडो हमारे सामने आ गई, ये देखिए, ये देखिए दो विंडोज हैं, डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट टू। पहले डॉक्यूमेंट वन हमारा है, उसका नाम हमने वर्ड प्रोसेसर कर दिया और अब हमारे सामने आ गया डॉक्यूमेंट टू, ये देखिए। तो एक बार में आप कितनी भी विंडोज ओपन कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर की, राइट। कंट्रोल एन आपने करा, दो बार हमने किया, ये देखिए विंडो का साइज छोटा करके हम देख सकते हैं, ये देखिए ये तीन विंडोज आपको नजर आ रही हैं, डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट थ्री, राइट। इनको आप क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज के द्वारा नई फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, यहां पे आपको ये सारे कमांड्स मिलेंगे, न्यू एक नई फाइल ओपन करने के लिए, ओपन, ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, आप ड्राइव का नाम फोल्डर का नाम सब चुन पाएंगे, फाइल को चुन पाएंगे और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से आपने जो चेंजेस किए हैं उनको सेव करने के लिए सेव कमांड, जिससे फाइल हमारी परमानेंटली सेव हो जाए, फाइल में हमने जो कंटेंट ऐड किया है वह सेव हो जाए। और सेव एज कमांड हम कब देंगे, हमारी फाइल सेव है लेकिन हमें उसे किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी फाइल की एक और कॉपी जनरेट करना चाहते हैं, तब हम देते हैं सेव एज। तो सेव एज करने पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहाँ पे हमें लोकेशन यानी कि कौन से फोल्डर में आपको फाइल सेव करनी है, फाइल का नाम, ये सब चीजें देनी होती हैं, राइट। और यहाँ एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लोज, अगर आपको ये फाइल क्लोज करनी है तो आप क्लोज कमांड दे सकते हैं, राइट। बच्चों ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, ये बेसिक कमांड्स, इनके यूज, इनका जो मीनिंग है, बिल्कुल कमांड का जो नाम है वही इनका काम है, तो उस हिसाब से आप आसानी से याद रख सकते हैं। और शॉर्टकट कीज आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप काम कर पाएंगे। चलिए ये चीज हमने यहाँ पर करी, अब इस डॉक्यूमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, यहां पर कुछ और टाइपिंग हम करके देखते हैं। यहां पर हमने लिखा पर्पस ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, ये देखिए यहां हम कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, पॉइंट्स लिखना चाहते हैं मतलब लिस्ट तैयार करना चाहते हैं कि हम वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर को काम में लेने का क्या पर्पस है। तो लिस्ट बनाते कैसे हैं, आप ऐसे करके लिखते हैं 1 2 3 4, लिस्ट बनाना समझते हैं, सूची तैयार करना, तो वही सूची हमें तैयार करनी है पर्पस ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसर की। तो कैसे सूची तैयार करेंगे, आप खुद लिखेंगे, जैसे ABCD की सूची तैयार करते हैं, 1 2 3 4 से आप सूची तैयार करते हैं, उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं बुलेट्स और नंबरिंग,
बुलेट्स देखिए, एक बुलेट्स में आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बुलेट चुन ली, हमने लिखा, टेक्स्ट जोड़ा हमने, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। दूसरा हमने एंटर कुंजी दी, दूसरा बुलेट आ गया, ये देखिए, एडिटिंग। राइट, एक चीज बच्चों आपने नोट करी, देखिए मैं आपके सामने दोबारा से एडिटिंग लिखती हूँ। मैंने लिखा EDITTING, मैंने एडिटिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। एडिटिंग की स्पेलिंग में क्या आता है, सिंगल टी आता है, मैंने डबल टी लिख दिया। और एक और चीज आप देखिए, मैंने स्मॉल ई लिखा है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, हमने यहाँ स्मॉल रख दिया है गलती से। अब कुछ गलतियां हैं जो अपने आप सही होती हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर, जो कि नोटपैड में या टेक्स्ट एडिटर किसी अन्य में नहीं होती। ये देखिए, एडिटिंग लिखा, स्पेस बार दी, स्पेस देते ही क्या हुआ, डबल टी लिखा था सिंगल टी हो गया, स्मॉल ई लिखा था कैपिटल ई हो गया। ये क्या है, ऑटो करेक्ट। इसे क्या बोलते हैं इस फीचर को, ऑटो करेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्शन, ऑटो करेक्ट फीचर है ये वर्ड प्रोसेसर का, जिसके माध्यम से आप जब गलतियां करेंगे तो कुछ गलतियां आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे कि यहां पर हुआ, आपने कोई सेंटेंस लिखा, सेंटेंस का रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना होता है, लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन ये गलती अपने आप ठीक हो गई। तो इस तरह की आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी, आपने डबल टी लिख दिया एडिटिंग में, अपने आप ठीक हो गया। राइट, तो ये ऑटो करेक्ट फीचर होता है वर्ड प्रोसेसर का। हमने यहां लिखा फॉर्मेटिंग, ये देखिए, तो इस तरह से आप ये देखिए, यहां पे एक और चीज आप देखिए कि एंटर देते ही बुलेट आ जाती है, लिस्ट सूची बन रही है। सूची दो तरह की बनती है, एक तो होता है नंबरिंग वाली सूची, 1 2 3 4 ABCD, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड सूची, ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, मतलब पॉइंट्स, जैसे आप लिखते हैं ना, वन डॉट लगाई पहला पॉइंट, एरो लगाया पहला पॉइंट, दूसरा एरो, फिर दूसरा पॉइंट, लिखते हैं इस तरह से आप लोग सूची तैयार करते हैं, वही सूची हम तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें वो एरो वैरो लगाना या 1 2 3 4 लगाना, वो अपने आप हो रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा। जैसे ही हम एंटर कुंजी देते हैं, ये देखिए, और भी चीजें हम करते हैं, ये देखिए हमने कुछ लिखा यहां पर, जैसे ही एंटर कुंजी दी हमारे पास बुलेट आ गई। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट जोड़ना है, राइट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट जोड़ना है। क्या करा मैंने, या इस पॉइंट पर आके मैंने एंटर कुंजी दी, ये देखिए बीच में एक लाइन आ गई। तो यानी कि लिस्ट के बीच में कितना आसान है जोड़ना। अगर यही काम आप कागज पे करते हैं तो संभव नहीं हो पाता। दो, आपने एक सूची तैयार करी, आपने फोर्थ नंबर पे कुछ लिखा, फिफ्थ नंबर पे कुछ लिखा, लेकिन आपको फिफ्थ नंबर पे कुछ और लिखना है और फिफ्थ नंबर वाला नीचे करना है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। पेंसिल से लिखा है तो रबड़ से मिटा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। ये देखिए, राइट, इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई चीज आप डिलीट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे एडिटिंग जो है वो डिलीट कर दी, तो क्या होगा, ये देखिए नीचे वाला टेक्स्ट अपने आप ऊपर आ गया, अपने आप जो लिस्ट है वो मेंटेन हो पा रही है। अब मुझे लगता है कि ये जो मैंने बुलेटेड लिस्ट बनाई, अच्छा एक और चीज, यहां अपने आपने एंटर कुंजी दी, नया बुलेट आ गया, आपको लिस्ट आगे नहीं बढ़ानी, एक बार और एंटर कुंजी दे दीजिए, आपकी लिस्ट खत्म हो गई। फिर भी कभी आपको लगता है कि नहीं जी लिस्ट और बनानी है, आप दोबारा से एंटर कुंजी दे दीजिए, ये देखिए इस तरह से आप पूरी लिस्ट अपनी आगे बना सकते हैं। तो मान लीजिए अब आपको लगता है आपने ये लिस्ट बना ली, लेकिन आपको 1 2 3 4 वाली लिस्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप जाइए
और अब की बार आप 1 2 3 4 वाली लिस्ट चुन लीजिए। ये देखिए आपकी बार 1 2 3 4 आ रहा है। मुझे लगता है नहीं 1 2 3 4 नहीं, ए बी सी डी चाहिए, तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी वाली लिस्ट चाहिए। मुझे लगता है नहीं बुलेट चाहिए, कभी भी बुलेट ले सकते हैं। तो बुलेटेड और नंबर लिस्ट तैयार कर सकते हैं आप बहुत आसानी से वर्ड प्रोसेसर के अंदर। राइट बच्चों, तो ये हमारी बुलेटेड लिस्ट हमने यहाँ बना के देखी। नंबर लिस्ट भी हम बना सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने नंबर लिस्ट चुन ली, जैसी भी आपको चाहिए, 1 2 3 4 रोमन नंबर्स या ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, जैसे भी आपको चाहिए। अब आपको लगा कि बी पॉइंट है फॉर्मेटिंग, मुझे सी पॉइंट कुछ और डालना है, तो ये देखिए एंटर कुंजी देते ही क्या हुआ, सी पॉइंट आ गया और जो सी पर था वो डी पे चला गया। तो इस तरह से देखिए आप बहुत आसानी से लिस्ट तैयार कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। और ये तो अभी हमने आज एक फीचर देखा, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे अपनी क्लास में कवर करेंगे। आप टेबल्स बना सकते हैं, आपको मान लीजिए स्टूडेंट का पूरा स्कोर दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम, उनकी परसेंटेज जो इन्होंने स्कोर करी है, तो आप उसको टेबल में अरेंज कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं इसके अंदर। आप पिक्चर बनाना चाहें, कोई पिक्चर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वर्ड प्रोसेसर में हैं, बहुत उपयोगिता है वर्ड प्रोसेसर की। और आज के टाइम में आपको वर्ड प्रोसेसर पे काम करना आना चाहिए, आपके कोर्स का भी पार्ट है, आपको सीखना है। और इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने एंटर कुंजी दी, एक नया पैरा स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। राइट, तो चलिए बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।